आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बहुत कम मेहनत करके हर रोज दो घंटे मात्र दो घंटे काम करके हजारों रुपए महीने के कमा सकते हैं। हाँ, तो ये मानने वाली बात है भी नहीं। आप बस इतना समझ लो कि आप बिना किसी स्किल, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी मेहनत के पैसे नहीं कमा सकते हैं। हाँ, पर अगर आपके पास थोड़ी भी स्किल है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हो और आप मेहनती भी हो, तो आज मैं आपके लिए जिस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ उससे आप पैसे जरूर कमा सकते हो। हाँ, पर ये भी इंस्टेंट नहीं होगा, इसमें आपको कुछ पेशेंस रखना होगा। वैसे आज के टाइम पे आपको कोई भी ये बिजनेस नहीं बताएगा और जो लोग बता रहे हैं वो आपसे इसके पैसे लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे इसके लिए एक लाइक और कॉमेंट में थैंक यू लिखकर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलिए, तो इस बिजनेस का नाम है ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो आपने मेरे चैनल पर कई बार सुना होगा, लेकिन ये है ड्रॉप सर्विसिंग। वीडियो के बीच में कहीं भी आपको मैं कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। एकदम आसान और शुद्ध भाषा में बोलें तो ड्रॉप सर्विसिंग एक तरह से ब्रोकिंग का बिजनेस है। हाँ हाँ, वही दलाली, समझ में आया? जिससे आप एक मीडिएटर बनते हैं। बाय द वे, आप दलाली को नेगेटिव में मत लीजिएगा, सीधी बात है, जिस बिजनेस से पैसा आए वो बिजनेस है यार, धंधा है। और आप इसमें एक मीडिएटर बनते हैं और एक क्लाइंट और बायर के बीच में सर्विस का आदान प्रदान करते हैं। क्यों, नहीं समझ आया? चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक क्लाइंट है संदीप, जो कि एक वीडियो एडिट करवाना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास 10,000 रुपए का बजट है। अब चूंकि आपके पास वीडियो एडिटिंग की कोई स्किल नहीं है और आपको वीडियो एडिटिंग का ABCD कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए आप डायरेक्ट संदीप को ये सर्विस तो नहीं दे सकते, और इसीलिए आपने अब एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो वीडियो एडिटिंग अच्छे तरीके से जानता है, और फाइनली आपको एक फ्रीलांसर मिल गया जो आपका ये काम 8,000 में करके दे सकता है। तो अब आप वीडियो एडिटिंग ना जानते हुए भी संदीप से 10,000 रुपए लेकर उसे वीडियो एडिट करवा के दे सकते हो, और इसमें आपको डायरेक्टली 2,000 रुपए का कमीशन भी मिल जाएगा। यही है एक्चुअली में ड्रॉप सर्विसिंग। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करने की जरूरत है, जिसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप वही सेलेक्ट करिएगा। कोई भी रैंडम स्किल या रैंडम नीश सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। जैसे आप वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स जानते हैं, या फिर आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में काफी कुछ पता है, या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, ये सारी चीज आपको पहले पहचाननी होगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने ड्रॉप सर्विसिंग की फील्ड की नॉलेज होने से जब आप पहली बार किसी क्लाइंट से काम के बारे में बात करोगे तो उसे पता चलेगा कि आपको उस फील्ड की नॉलेज है, आप उससे डील कर पाओगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप समझ पाओगे। नहीं तो मालूम चला वो बोल रहा है कि मुझे ये करवाना है और आप अपने वीडियो एडिटर को समझा ही ना पाओ कि करना क्या है। इसीलिए आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है और तभी आप एक क्लाइंट के साथ में जेन्युइन और प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन कर पाओगे और आप उसके साथ कोई अच्छी डील क्लोज कर पाओगे। एक बार जैसे ही आपने अपना नीश सेलेक्ट कर लिया तो आपको दूसरे स्टेप पर आना है, जो कि है अपने लिए काम करने वाले बंदे की खोज करना, यानी कि फ्रीलांसर्स की तलाश करना। अब चूंकि आप ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले से फ्रीलांसर ढूंढ के रखने होंगे, उनके साथ रेट्स डिस्कस करके रखना होगा ताकि आप उसी रेट के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के क्लाइंट के साथ डील कर सको। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्रीलांसर्स कहाँ पे मिलेंगे, तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लो तो आपको ऐसे फ्रीलांसर्स फाइबर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा अपवर्क और freelancers.com भी एक बेटर ऑप्शन है, पर उसमें से फाइबर आपके लिए बेहद आसान और इजी टू गो होगा। और अगर आपको स्क्रिप्ट राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट में अल्फा एसेट्स लिखकर आप बता सकते हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा अपने ड्रॉप सर्विसिंग के लिए एक चेहरा तैयार करना, जिसे देख क्लाइंट्स आपके काम पर विश्वास करेंगे। और वो चेहरा कैसे बिल्ड होगा? देखिए, एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट से। जी हाँ, ड्रॉप सर्विसिंग में अगर आप वाकई में पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल और अच्छी वेबसाइट बनानी होगी, जिसके लिए आपको fiverr.com पर ही कई फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए एक अच्छी सी प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्ड करके दे देंगे, जहां आपको अपने वर्क्स को शो ऑफ करना होगा। लेकिन अब आप ये वर्क सैंपल लाओगे कहां से? तो इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है,
सिंपली आप जिस फ्रीलांसर को अपने नीच पर काम करने के लिए हायर करते हो, आपको उससे सैंपल्स ले लेने हैं। ऑब्वियसली उनके पास एक से बढ़कर एक सैंपल्स की भरमार होगी। उन सैंपल्स को आपको अपने वेबसाइट पर लिस्ट करना है और लगा देना है प्राइस टैग, बस। और इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जो कि है क्लाइंट हंटिंग। अब आपने अपनी ड्रॉप सर्विसिंग के लिए सारी तैयारी कर ली है, दुकान लगा ली, आई मीन टू से कि वेबसाइट सेटअप कर लिया है, आपके पास माल भी आ गया है, मेरा मतलब है कि फ्रीलांसर्स भी आ गए हैं जिनके प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। आसान भाषा में कहें तो दुकान बढ़िया खुल चुकी है, लेकिन अब आखिरकार ग्राहक कहां से आएंगे? क्लाइंट आएंगे तब तो आपकी अर्निंग शुरू होगी ना। तो आखिर क्लाइंट्स कैसे ढूंढें? देखिए, इसके लिए आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने होंगे। सिंपली आप इसके लिए फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और वहां फ्रीलांसर्स से लिए हुए सैंपल्स को पब्लिश कर दो। और एक बार जब आपको इस पर किसी क्लाइंट का मैसेज आता है तो आप उसे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें जहां आपके वर्क्स पहले से मौजूद होंगे। इसके बाद आप अपने वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हैं, जिससे उस पर लोगों के क्लिक्स आएंगे और वो आपके काम को देखकर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और तीसरा, आप अपने नीश से रिलेटेड लोगों को कोल्ड ईमेल लिख सकते हैं, यानी कि उनके सर्विस मेल या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट ऑप्शन को छान मार कर पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आप उन्हें अपने बेस्ट सैंपल्स के साथ में डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप यूट्यूबर्स को मेल करके उन्हें उनके लिए कंटेंट लिखने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे साइट्स पर जाके वहां के इन्फ्लुएंसर्स को डीएम कर सकते हैं। अगर उन्हें आपका काम पसंद आया तो वो आपको जरूर अपने काम के लिए आउटसोर्स कर देंगे। बस आपको एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखना है कि ये सारी चीजें वर्कआउट करने में कभी 2 महीने लग सकते हैं, कभी 4 महीने भी लग सकते हैं। ये बस आपकी स्किल और मेहनत पर डिपेंड करता है। एक और बोनस पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। जब आप ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हो तो एक्सेल शीट में हर एक क्लाइंट और हर एक फ्रीलांसर्स का डेटा पक्के से मेंटेन रखना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और टाइम टू टाइम पेमेंट लेते रहना, पेमेंट के लिए लंबा डिले मत करना, नहीं तो बाद में भाग जाते हैं लोग। इसीलिए प्रोजेक्ट दिया, पेमेंट लो, नहीं तो मालूम चला आपका पेमेंट नहीं आया लेकिन जिसने आपके लिए काम किया है फ्रीलांसर ने, वो तो आपसे पेमेंट लेगा ना। इसीलिए एक्सेल शीट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इतनी अच्छी जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और बिजनेस से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।